एक दिन की छुट्टी के बाद जब आज खुलेंगे भारतीय बाजार, दुनिया भर के बाजारों से रहेंगे मिले जुले संकेत। एक मजबूत और एक कमजोर ट्रेडिंग सेशन, और कच्चा तेल और रुपया है वहीं का वहीं। तो आज वायदा कारोबार की है वीकली एक्सपायरी, क्या होगा आपका ट्रेड, इस पर हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं डिंपी कालरा। भारतीय बाजारों की छुट्टी जब थी तब चाइना में कामकाज हो रहा था, लेकिन आज चाइनीज मार्केट बंद है, आज जापानीज मार्केट भी बंद है। दो बड़े बाजार तो खैर बंद है, लेकिन हाँ एशिया में जो संकेत दिख रहे हैं, जैसे अनिल जी आपको बता रहे हैं कि हांगकांग बाजार में जो तेजी आई है वो शायद हमारे हक में आ सकती है। फिलहाल एसेंस निफ्टी अभी भी लाल निशान में है। ट्रिगर के साथ करते हैं शुरुआत, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, कमजोर रुपए का फायदा। 45 पैसे की कमजोरी कम नहीं होती है, आज कितना फायदा हमको पहुंचाएगी। और हम फिर से मनोवैज्ञानिक स्तर जो 70 के ऊपर का था उसको हटाकर वापस से 69 वाली रेंज में आ चुके हैं। ऑटो बिक्री के आंकड़े हालांकि बिल्कुल ठीक नहीं है, ये क्या पहले से बाजार को पता था कि ऑटो बिक्री के नंबर्स ठीक नहीं आएंगे, इसका कितना इंपैक्ट होगा ये समझना होगा। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, क्योंकि आज इंडेक्स के बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शंस सेटल हो जाएंगी, फ्यूचर्स तो जस के तस रहेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के संकेत कुल मिला के आप कमजोर भी कह सकते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पर आपको आज बाजार दिखेगा। और अर्निंग्स तो कह रहे हैं, अर्निंग्स के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल बीच में है, तो कुछ का इंप्रेशन आएगा, कुछ का असर आएगा और कुछ का असर आना बाकी है। अब सर आज शुरुआत करते हैं पहले ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट में भी कम घटनाएं नहीं घटी हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आ गया और एक नहीं बल्कि दो ट्वीट आए। पहला ट्वीट आया कि आप तेल कम कीजिए, दाम कम कीजिए, और दूसरा फिर ये आया कि आप ब्याज दरें भी कम कीजिए। बिल्कुल, हालांकि फेड ने फैसला तो नहीं लिया। देखिए, एक बात तय है कि फेड ब्याज दरें घटाएगा तो जल्दबाजी में नहीं, जहाँ एक और बढ़ाने की बात हो रही थी, पूरा 2018 बढ़ाने वाला गया है। 2019 की शुरुआत में उन्होंने कह दिया था कि इस साल हम बढ़ाएंगे नहीं। अब आप देखिए, ट्रंप साहब का पॉइंट अपनी जगह सही है, ब्याज दर घटाइए, हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा धीमापन आता हुआ दिख रहा है। फिर थोड़ा पीछे चलेगा, मतलब ऐसा ना कि आप बड़ी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से यू टर्न ले लें, ऐसे कैसे होगा। पहले स्लो तो करेंगे ना, और यू टर्न अगर आपको शार्प लेना है तो थोड़ा रुकेंगे, ब्रेक लगाएंगे, दोनों तरफ देखेंगे, कुछ आ तो नहीं रहा, फिर लेंगे। तो फेड पहले इन्फ्लेशन और ग्रोथ को देखना चाहता है, उसके बाद यू टर्न लेगा। जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई भी है। हाँ, हमारे यहाँ की आरबीआई तो फिर भी छोड़ दीजिए, अब तो फिर भी ठीक है कि आरबीआई प्रोएक्टिव कर रहा है, बाकी पहले तो हाल बहुत ही बुरा था। लेकिन फेड के लिए ये जरूरी कि वो थोड़ा सा और डेटा देखे यू टर्न लेने के पहले। सी, फेड फेड है, ट्रंप नहीं है, और ट्रंप साहब फेड चेयरमैन होते तो शायद ये नहीं कहते। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। एज ए ट्रंप, उनका एज ए अमेरिकी प्रेसिडेंट, उनका ये मानना ठीक है कि ब्याज दरें घटनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फेड चेयरमैन को अपने हिसाब से देखना है, डेटा देखने, तो थोड़ा और इकोनॉमी में धीमापन, थोड़ा और इन्फ्लेशन में कमी और कट, ये हो सकता है। तो इस बार नहीं हुआ तो कोई बहुत खास घबराने की, ऐसी चिंता करने की जरूरत है नहीं। मुझे सर ये बताइए, ट्रंप प्रेसिडेंट है, जब वो कह देते हैं बात जो फेड को मानना ही नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट को कहने की जरूरत क्यों है? ना, देखिए प्रेसिडेंट, ये तो उनका हक है कहने का, उनका मांगने का हक है, बिल्कुल है। और स्पेशली जब प्रेसिडेंट एक ऐसा आदमी जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, है ना, तो वो तो उनका हक है, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो तो कहेंगे। लेकिन फेड को अपनी जगह देखना है कि उन्हें क्या करना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें कोई खास बड़ा नेगेटिव पढ़ने की जरूरत नहीं। कल आखिरी घंटे में, आधे घंटे में फेड, माफ कीजिएगा, डाउ जोर से गिरा, बाकी दिन भर तो बड़ा मजबूत था। डाउ का इंट्राडे आप चार्ट देखिए, आखिरी आधे घंटे में तेज गिरावट है, वो 230 सिंड्रोम होता है ना हमारे यहाँ, 2:30 बजे 3 बजे जैसे गिरता है वैसे ही कल गिरा है। तो कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता कोई खास की बात है। हमारे लिए जो ग्लोबल संकेत हैं, कच्चा तेल 72 के आसपास है, रुपया परसों अच्छा खासा मजबूत हो गया 45 पैसा, हाल ही के दिनों की एक दिन की सबसे बड़ी मजबूती है 45 पैसे की। तो मुझे लगता है कि हमें कोई चिंता करने की बात नहीं। और दूसरा ये कि एसजेक्स निफ्टी जो दिख रहा है 40-50 पॉइंट, उससे मूड बिल्कुल भी बिगाड़िए मत। देखिए, आप बंद हुए थे 11,748 पर, प्रीमियम है 43-45 पॉइंट के, 50 पॉइंट मान लीजिए तब भी आप 11,790-11,800 के आसपास होते हैं। इसका मतलब ये क्या, आप फ्लैट खुलेंगे एकदम उसी लेवल पर जहां परसों बंद हुए। तो ऐसा नहीं 50-60 पॉइंट नीचे खुल जाए, अगर गलती से खुल जाए तो ले लीजिए, अगर 60 पॉइंट नीचे खुले तो ले लीजिए, वैसे खुलेंगे नहीं आप, ठीक है। वैसे आज हमारा मित्र हांगकांग भी है, क्योंकि वो हरे निशान में आ चुका है, 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती वहां पर भी है। और डाउ फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स भी एक बार देख लेते हैं, वो इस समय की सिचुएशन क्या है, एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स भी दिखाएं। यस, 11 पॉइंट ऊपर है, स्टेबल है, ये भी स्टेबिलिटी है सर। एफआईज और डीआईज देखिए, जहाँ तक आज के संकेतों का सवाल है, एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर रखें, न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड है।
तो मैंने इसको उल्टा किया, पॉजिटिव से न्यूट्रल साइड कर देते हैं। पॉजिटिव दिखने में, लिखने में, सुनने में, देखने में अच्छा लगता है, है ना, तो पॉजिटिव है। घरेलू फंड के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत हैं न्यूट्रल, सेंटीमेंट कॉशस से पॉजिटिव साइड पर है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इसके बावजूद कि बैंक निफ्टी खराब बंद हुआ है। ठीक सर, अब आज की रेंज 11,700-11,800 आज की छोटी रेंज है, इस रेंज पर नजर रखिए, 11,650-11,850 मीडियम रेंज है, ज्यादा संभावना है कि इसी रेंज में आप वक्त बिताकर आज एक्सपायरी खत्म कर दें, लेकिन एक्सपायरी के दिन कोई चांस में लेना नहीं चाहता, इसलिए बिगर रेंज भी दे दिए, 11,575-11,900 ये निफ्टी की एक्सट्रीम रेंज है, जो एक्सपायरी की वजह से आए तो आए, अदरवाइज हमारे लिए 11,650-11,850 काफी है, इस रेंज में हम काम चला लेंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी 29,650-29,925 ये छोटी रेंज है बैंक निफ्टी की, मीडियम रेंज 29,550-30,050 की बनकर आती है, आपने परसों भी 29,550 के आसपास सपोर्ट लिया, पिछले दो दिनों से, तीन दिनों से आप 29,550 के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं, 30,000-30,050 के आसपास आते ही रुक जाते हैं, वो 30,000 है ना पार, एक बार खाली स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए होता है, 25-50 पॉइंट ऊपर गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, वापस नीचे, सही तो इसलिए मैंने इस बार आज 30,000 नहीं दिया, राउंड फिगर देना ही नहीं, 30,050 दे दो, एक्सट्रीम रेंज जो है 29,450-30,150 की निकल कर आ रही, जिस पर आपको फोकस करना। ठीक है, चांसेस कितने की एक्सट्रीम रेंज को भी हम देख सकते हैं? देख सकते हैं, इसमें चांस है दोनों का, नहीं बैंक निफ्टी में चांस, बैंक निफ्टी का चांस, निफ्टी का नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, आप देखिए ना परसों के सेशन में निफ्टी सिर्फ 6 अंक नीचे बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 250 अंक नीचे, थैंक्स टू यस बैंक, यस, लेकिन बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है। सर एडीआर में ना एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है वो 1 से 1.25% तेज था अमेरिका में, तो आज एचडीएफसी सहारा दे सकता है? दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, कोई डाउट नहीं। देखिए बैंक निफ्टी में भी और प्राइवेट बैंक में भी अब ग्रेजुअली मार्केट मालूम है क्या करने की कोशिश करेगा, वही है कि एक और आप सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक्स को अलग कर सकें क्वालिटी के बेसिस पे, और इसलिए आपको प्राइवेट बैंक्स अच्छे लगते हैं, फिर प्राइवेट बैंक्स में आप छोटे प्राइवेट बैंक्स और बड़े प्राइवेट बैंक्स को अलग करते हैं क्योंकि क्वालिटी के लिहाज से, अब तीसरी चीज जो होने जा रही है मार्केट जो कर रहा है वो निफ्टी के 6 प्राइवेट बैंक्स में से कौन सी कमजोर क्वालिटी के उन्हें अलग करिए और कौन सी मजबूत क्वालिटी की, उन 6 में से भी, उन 6 में से भी, तो कोई HDFC कोई ICICI आप अच्छी क्वालिटी की तरफ रखेंगे और खरीदारी आने, और 50% से ज्यादा तो दोनों मिलाकर बैंक निफ्टी हो जाते हैं, तो ये होने वाला है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी आपको अब सही तस्वीर ना भी दिखाए थोड़े से वक्त के बाद, क्योंकि दो ही बैंक आपको मजबूत हो गए तो बैंक निफ्टी हिला के दिखा दीजिए आप, कुछ नहीं होगा, अगर HDFC और ICICI ने तय कर लिया कि हम कमजोर होंगे या मजबूत होंगे तो बाकी 10 मिलके क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, 12 बैंक है बैंक निफ्टी में, 10 में 2 अकेले चलाते हैं, और दोनों ही प्योरली, ICICI बैंक थोड़ा छोड़ भी जाए, HDFC बैंक तो प्योरली इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ट्रेडर स्टॉक है ही नहीं, तो इसलिए बैंक निफ्टी में भी अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेरे लिए काम मुश्किल होगा एनालिसिस करना, कि इतना आसान नहीं है, नहीं तो बैंक निफ्टी पहले जिस तरह से 100-200-500 बोलने पर चल जाता है, भाग जाता है, गिर जाता है, वो अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है लग रहा है। बैंक निफ्टी के साथ साथ अब आपको शेयर्स का डाटा भी हाथों हाथ अब देखना पड़ेगा, वो जरूरी होगा। सर अब लॉन्ग पोजीशंस, जिनके पास पुरानी लॉन्ग पोजीशंस है, हाँ जिनके पास पुरानी लॉन्ग पोजीशन है, एक ही लेवल नोट कर लीजिए, आज मैंने आपकी सुविधा के लिए लेवल एक ही रखा है, एक्सपायरी का दिन भी है, तो निफ्टी पर 11,640 ये इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस पर, ये स्टॉप लॉस के 100 पॉइंट नीचे, लाइफ टाइम हाई के आप नजदीक ट्रेड कर रहे हैं, 1% के रिस्क 100 पॉइंट की तो लेके चलनी पड़ेगी अगर आप बाजार में ट्रेड करना चाहते तो, और वो भी एक्सपायरी के दिन, छोटे स्टॉप लॉस की उम्मीद ना करें, फिर भी जिनको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए उनके लिए है 11,700 का, 11,700 के नीचे जाए तो आप निकल जाइए, अदरवाइज ये है स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी 29,550 ये है आपके लिए स्टॉप लॉस दिन के लिए भी और क्लोजिंग के बेसिस पर भी, इसके नीचे बंद हो या इसके नीचे दिन में ट्रेड करना शुरू करते हो तेजी की पोजीशन कम कर लीजिए, वैसे बेहद मजबूत दमदार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए 29,450-29,550 की रेंज में, जबरदस्त सपोर्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये 11,640 आपको ध्यान है, एक बार वीके शर्मा भी हमारे साथ आए थे, वो भी करेक्ट, वो बोले कि दो दिन इसके ऊपर बंद हो गया तो बाजार लाइफ टाइम हाई 12,000-12,200 बना देगा, और बाय द वे मैं वो बता दूं, मैं भी याद कर रहा था, दो दिन हो गए परसों और उसके पहले शुक्रवार को, दो दिन 11,700 के ऊपर बंद हुआ है। इनफैक्ट आप देखिए, आप ना दिन के दौरान कुछ भी कर लीजिए, डिम्पी क्लोजिंग बेसिस पर बाजार कमजोर है ही नहीं, पिछले 4 सेशन में से 3 सेशन 11,700 के ऊपर आपने क्लोजिंग दी, भले 100 पॉइंट की वॉलेटिलिटी रही हो, और 11,754 जो आपकी क्लोजिंग है ना, मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग के हिसाब से हम कमजोर है ही नहीं, इसमें ध्यान रखिए। अब सर जो शॉर्ट पोजीशन है पुरानी, हाँ है बिल्कुल है, होंगे 11,750 ये क्लोजिंग बेसिस पर है,
और इंट्राडे बेसिस पर भी मैं ये सोचता हूँ आज 11,750 के ऊपर निकल कर ट्रेड करना शुरू करें तो काट लीजिए, खत्म कीजिए, मतलब कल का हाई पार कर लें, या जिनको बहुत सेफ चलना है वो 11,800 का रख लें, अदरवाइज 11,750 भी ठीक है, क्यों रिस्क रखना है, ठीक है। और बैंक निफ्टी पर 30,050 ये इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस पे आपका शॉर्ट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब सर नई पोजीशंस बनाने की बात है, आज एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए फिर पोजीशंस कैसे बनाएं निफ्टी पर? पहले कमजोर खुले 11,700-11,725 की रेंज में खरीदना चाहिए, बहुत सेफ रहने वाले लोग हैं तो 11,650 का इंतजार करें, वो आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन 11,700-11,725 भी वो अच्छी जगह है जहां आप खरीद सकते हैं। 11,650 आपका स्टॉप लॉस हो गया, 11,800-11,850 के टारगेट के लिए ये आपको निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनानी है। शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, 11,856 का लाइफ टाइम हाई है, उसके नज़दीक पहुँचे, 11,850 के आसपास आप शॉर्ट कीजिए। अभी वो शॉर्ट 11,800 पे ही कर लेना है या 11,850 पे करना है वही क्वेश्चन मार्क है। तो एक बार मैं 11,850 मान के चल रहा हूँ, अगर 11,800 पे शॉर्ट के सिग्नल आए तो हम शो के दौरान आपको आगे बता देंगे, और 11,800 के टारगेट के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में बनानी है, ये निफ्टी का ट्रेड है आपका, ठीक है। यानी कि आज 11,800 के आने के भी चांसेस पूरे पूरे? हाँ हाँ हाँ, आ सकता है, आज कोई बड़ी बात नहीं, 11,800 तो बन सकता है। 11 बेसिकली रेंज जो है ना 11,650 से 11,800 ज़्यादा दिख रही है मुझे 150 पॉइंट की। अच्छा, निफ्टी पर हाँ, क्योंकि एसजेक्स निफ्टी का अगर 50 पॉइंट कल के हिसाब से अगर आप कल शाम को देख रहे होते ना एसजेक्स निफ्टी को, तो आपको एसजेक्स निफ्टी वो 11,800 के ऊपर ही दिख रहा था। करेक्ट, आज आपको 57 पॉइंट गिरावट से इसलिए आपको 11,800 के नीचे 70-72 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा था। खैर अब आते हैं सर जरा बैंक निफ्टी पर, और जिनको आज पोजीशंस बनानी है देखिए 29,550-29,650 अच्छी रेंज है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और नीचे में 29,450 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 29,450 के नीचे जाएं तो फिर शॉर्ट रहने में समझदारी है ही नहीं, और उसके बाद तो रिस्क 500 पॉइंट की 400 पॉइंट की खुलेगी। 29,450 के नीचे तो 29,000 भी आता हुआ दिखेगा बाद में आपको, तो ये आखिरी उम्मीद है आपकी, लेकिन इस रेंज में आपको खरीदारी करनी है 29,550-29,650 की रेंज में। टारगेट होगा आपका 29,850-29,925 और 30,050। थोड़े राउंड फिगर कम है आज, अलग अलग तरह के लेवल और बैंक निफ्टी पे लेवल्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं, तो उस लिहाज से मैंने ये दिए है। अब आइए शॉर्ट साइड पर, 30,000-30,050 की रेंज में शॉर्ट कर दीजिए बैंक निफ्टी, मौका मिले ऊपर आए तो, और स्टॉप लॉस आपका 30,150 का बनता है। 29,925-29,850 और 29,750 तीन टारगेट आपके होने चाहिए जहाँ पर आपको शॉर्ट पोजिशन के लिए ट्रेड करना है, ठीक है। सर एक विक्स 21.5 का खड़ा हुआ, 21.83 अभी भी ऊपर है, और वो ये दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी कम होगी, खत्म नहीं होगी दिन के दौरान, और आज एक्सपायरी का दिन है, 22 के आसपास का विक्स बता रहा है कि मौके दोनों तरफ बनेंगे। 60-70 पॉइंट उम्मीद करें आराम से, निफ्टी के अंदर होगा 100 पॉइंट होगा, 100 पॉइंट की रेंज उम्मीद कम से कम करनी चाहिए, इतना तो बनेगा, आज के हाई और लो के बीच में 100 पॉइंट का फर्क तो रहना चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। सर वायदा में तो खैर कोई शेयर नहीं, सेक्टर में को बता दीजिए। ऑटो रिवर्स गियर में नेगेटिव मंथली सेल्स आंकड़ा, हालांकि खराब है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, किसी को पता नहीं, और पहली जनवरी से हम कह रहे हैं कि ये साल से ऑटो सबसे खराब सेक्टर वाला है, परफॉर्मेंस में तो दिख रहा है, आप देख बिल्कुल याद है, अच्छी तरह से याद है, तो एक ही सेक्टर जो सबसे खराब हम बोल रहे हैं तो ऑटो सेक्टर खराब है। अब ये कि बहुत गैप से खुल जाए तो मत शॉर्ट कीजिए, क्योंकि सबको पता है सब शॉर्ट करके गए हुए हैं, तो हो सकता है निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन नंबर खराब है इसमें कोई डाउट, और तीनों के खराब है, आइशर के, एस्कॉर्ट्स के, मारुति के, सबकी बिक्री घटी है। खैर सर जरा एफआईज और एफएनडो के कामकाज पे आते हैं, पहले जरा एफआईज आप कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ पॉजिटिव इसलिए लिखे, बहुत अच्छे, आप ना कैश के हटा के देखो बहुत अच्छे दिखेंगे, कैश में तो 115 करोड़ की खरीदारी की है डिम्पी, तो ज्यादा नहीं है, 1480 करोड़ के स्टॉक इंडेक्स फीचर्स, 1480 करोड़ इंडेक्स फीचर्स बड़ा है ना। FIs का ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, फ्रेश खरीदारी भी है, शॉर्ट कवरिंग भी, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है, इसका मतलब क्या, ट्रेडर्स ने बेचा है, FIs ने खरीदा, इससे बढ़िया क्या बात है, कमजोर निकल रहे हैं मजबूत मजबूत हाथ में आ रहा है ना, सही बात। तो ये स्टॉक फ्यूचर्स भी 165 करोड़ के खरीदे हैं, बड़ा नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी है, इंडेक्स में खरीदारी है, और सब जगह ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, इसलिए आप कह रहे थे कि क्लोजिंग बुरी नहीं हो रही हर बार। एग्जैक्टली, क्लोजिंग एंड में क्या हो रहा है, ट्रेडर बेच के जाता है, फंड खरीद के जाते हैं, ट्रेडर तो घबरा रहे ना सर। हाँ वो घबरा रहा है, पिछले चार दिन से बाजार उसको डरा रहा है। हाँ छुट्टी सबको चाहिए। हाँ। लेकिन छुट्टी आती तो घबराते हैं कि पोजीशन ले जाए ना ले जाए वैसा हाल है ना, तो यह हाल है। और 730 करोड़ की घरेलू फंड की खरीदारी जो बढ़िया है, तो इसलिए बड़े दिन बाद मैंने दोनों के आंकड़े पॉजिटिव साइड पर रखे हैं, FIs के भी और घरेलू फंड के। कई बार छुट्टी लाखों की पड़ रही है, लोगों के जिनके इंटरनेट ट्रेड लाखों खराब हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए की छुट्टी।
ट्रेडर के लिए लाखों की पड़ रही है, एक्सचेंज के लिए तो करोड़ों की पड़ रही है, हजार हजार करोड़ रुपए की देनदारियां आ रही है, तो एक्सचेंज के लिए तो और भी ज्यादा भारी पड़ती हुई दिख रही है। सर जरा अब एफ एंड ओ के आंकड़ों पे आते हैं, जरा शुरुआत पहले निफ्टी से। 3 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में घटे हैं, प्रीमियम थोड़ी सी घटकर 43 पॉइंट पर आई है। देखिए वीकली एक डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, देखिए आप वीकली वाला 11700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 11800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 100 पॉइंट की रेंज में है ना। तो इसका मतलब है कि इस 100 पॉइंट में आज वक्त बिता देना है। इस 100 पॉइंट के बाहर जिस तरफ निकले डिम्पी, 50 पॉइंट एडिशनल आने में वक्त नहीं लगेगा। ये तीन जुट के अभी कमाल कर दे, मतलब इतना जल्दी से आएगा 11650 के नीचे फिसलने पे 11650 आपको जल्दी से मिल जाएगा, और 11800 पार हुए तो 11850 तक आपको जल्दी मिल जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ आपको फटाफट मिल जाएगी, तो ये साफ दिख रहा है डेटा में वीकली के हिसाब से। बाकी तो 11600 मजबूत सपोर्ट है, 11800 रुकावट वाला लेवल है। पहले तो कोई खास ऐसा मतलब डेटा में बड़ा बदलाव ऐसा है नहीं। और एक्चुअली एक और चीज़ बताऊं आपको, पहली बार वीकली एक्सपायरी में भी डेटा बहुत बड़े नहीं है, और बड़े नहीं होने की वजह यह है कि आप देखिए एक चीज़ को कि छुट्टियां बहुत थी, इसलिए अभी तक पोजीशन बनी नहीं। अब आज से ना फुल फ्लेज काम को आज शुरू होगा। अब मेरे ख्याल से अब मई का महीना साफ है, मई की मैंने छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी चेक करके आया हूं, कोई महीने में कोई छुट्टी नहीं है, हमें मिल चुकी है मजदूर दिवस की छुट्टी मिल चुकी है, और हम बहुत आराम कर चुके हैं, अब मजदूरी करेंगे पूरे मई के महीने में। ठीक है, तो ये निफ्टी हो गया आपका। अब बैंक निफ्टी आई है, बैंक निफ्टी 29500 मजबूत सपोर्ट है, मंथली वीकली मिलाकर 9 लाख शेयर है, और 29800 से 30000 ये 200 पॉइंट की रेंज में बड़ी रुकावट है। यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ डिप्पी, 29450 तोड़ा ना तो 400 पॉइंट जाएंगे, और 30150 पार हुआ ना तो 300-400 पॉइंट आएंगे। ये आज की एक्सट्रीम रेंज तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी तरफ तोड़ा तो बड़ा मूव आ सकता है वापस, चांसेस है कि तोड़े नहीं वहाँ तक पहुँच जाए। हाँ ये भी हो नहीं तोड़ेगा, तो तोड़ेगा नहीं, लगता नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, आजकल कुछ पता नहीं चलता कब कौन सी खबर आ जाए, कुछ एक्शन, बट हमें लेवल्स पे नज़र रखनी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 29530 जो ब्रॉड रेंज है वायदा कारोबार के लिहाज से, मार्केट की डेटा की भी रेंज 50-50 पॉइंट इधर, 29500 के नीचे 50 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, 30000 के 50 पॉइंट ऊपर रुकावट है, तो रेंज वही है 600 पॉइंट की। ठीक है, ये राइटर्स आमने सामने खड़े हैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जो कॉल राइटिंग में या पुट राइटिंग में आपको दिख रहा है? आमने सामने नहीं, अलग अलग जगह पे। आमने सामने से तो मतलब सिर्फ आप ये सोचो कि 29700 के नीचे आप खराब होना शुरू होंगे आज, ओपनिंग की बता दूं। हाँ ये अच्छा सवाल पूछा, 29700 के नीचे खराब होना शुरू होंगे, 29900 के ऊपर अच्छा, 29800 के ऊपर अच्छा होना शुरू होंगे, और आप बंद हुए हैं 29764 पर। ये 100 पॉइंट के बाहर 29700 के नीचे आज आपके लिए ट्रेंड खराब होने, निर्णायक लेवल अगर आप बोलेंगे ना तो 29700 कमजोरी की तरफ निर्णायक लेवल है, 29800 मजबूती की तरफ है। 800 को तो फिर और आगे तो फिर आप जगह बन जाती ऊपर की जगह बनेगी। ठीक है सर, अब जरा रिजल्ट्स के एनालिसिस भी कर लेते हैं, बहुत सारे आज है ना। अजंता फार्मा खराब है? हाँ बिल्कुल, अजंता फार्मा 2 दिन पहले हमने कहा था कि शॉर्ट कर लिया, रिजल्ट खराब है, अच्छी तरह से याद है, रिजल्ट खराब है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि रिजल्ट खराब होने के बाद मुझे याद है 980 का हमने दूसरा टारगेट दिया था 1000, परसों तुमने जब आपसे फोन पे बात करा था तब मैंने कहा कि 1000 का टारगेट तो हासिल हो चुका है, 980 का दूसरा टारगेट है, अपनी क्रॉस का स्टॉप लॉस रख लें। 977 का लो बनाया है फ्यूचर्स में, जिन लोगों ने काट लिया होगा शॉर्ट, अच्छा है नहीं काटा है तो आज जरूर काट लें। रिजल्ट खराब है, फिर एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से बोलना चाहता हूँ, रिजल्ट खराब है लेकिन स्टॉक बढ़ सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि एक बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल आप 975-980 की रेंज में खरीद भी सकते हैं। अच्छा, हाँ फिर से 1000-1000, हाँ हाँ फिर से 1000-1020 हो जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ और देखिए, ये मेरा एनालिसिस है, रिजल्ट खराब है, हो सकता है बहुत गैप से खुले, बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप अगर 970 का जो मेरा स्टॉप लॉस है उससे नीचे खुले फिर आप छोड़ दीजिए, फिर मत करिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइट स्टॉप लॉस 984 पे बंद हुआ है, तो मैं इसलिए बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ दे रहा हूँ कि 975-980 की रेंज में खरीदिए, 5 रुपये का रिस्क, एक चांस लेना चाहिए, जो भी गिरावट आएगी 15-16 रुपये। और अगर आपने 1020-25 पे पहले बेचा है 30-40 रुपये 25 रुपये 20 रुपये जो भी बने, तो 5 रुपये की रिस्क ले लीजिए, 10 रुपये की क्या बात है। सर अंबुजा सीमेंट शॉर्ट है, मार्जिन बहुत खराब है, मतलब 17.5% से 16% मार्जिन, मतलब मजा नहीं आया नंबर्स देख के, जिस तरह के सीमेंट के नंबर्स आपको चाहिए वैसे है नहीं, और आपको मुनाफा अच्छा दिख रहा है वो भी अदर इनकम में, तो मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट जाना चाहिए, 2-3% तो निकल ही सकता है, इतना तो बनता है, थोड़ा तो गिरेगा ही, बढ़ने जैसा तो रिजल्ट नहीं है, ये बात पक्की है,
आपको कमजोरी वाला ही ध्यान इसमें रखना है, तो बेच दीजिए इसको 222 के स्टॉप लॉस के साथ 215-212 के टारगेट के लिए। बस यही है कि रिस्क इसमें एक ही कि सीमेंट शेयर में थोड़ा खरीदारी का रुझान है, तो जिससे निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आ सकती है, बट बाकी रिजल्ट खराब है इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, रिजल्ट खराब है, लेवल्स आप नोट कर लें। अब आज का स्टॉक ऑफ द डे सर, आज का स्टॉक दो हैं। आप ये भी कहेंगे इतने दिनों बाद अनिल जी सारे के सारे शॉर्ट कॉल ही दे रहे हैं। टीवीएस मोटर्स, इसी गाड़ी नहीं चल रही, बड़े खराब नंबर से, चाहे आप मंथली सेल्स नंबर देख लें, रिजल्ट्स देख लें, मैं तो खैर रिजल्ट्स के दम पर, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खराब है, महंगा स्टॉक है, एक बड़ी एफआई कब से 350 रुपये के टारगेट दे रही है, शायद आई जाए सीएलएसए का जो मन काफ़ी दिनों से बिगड़ा हुआ है, धीरे धीरे स्टॉक आ भी रहा, क्या 650 पे स्टॉक ट्रेड करता था याद है आपको, तब मैं कहता था ऑटो में सबसे महंगा शेयर है, 40 के मल्टीपल पर टीवीएस कैसे चलेगा, आप देखिए 480 आ गया है, खराब है हो रहा है, हर चीज़ भाव से अच्छी है, आप इतना महंगा वैल्यूएशन किस बात का देंगे इसको। आज मुझे टू व्हीलर कोई भी लेना तो एक ही स्टॉक लूंगा और वो बजाज ऑटो होगा, और कुछ भी नहीं। तो टीवीएस मोटर्स बेचना है, 492 का स्टॉप लॉस है, 475-465 दो टारगेट। ठीक है सर, दूसरा शेयर कौन सा बेचना है? दूसरा जेट एयरवेज, जो कंपनी बिक नहीं रही उसे उसका शेयर बेच दीजिए, बेचो बस सिंपल फॉर्मूला ही है, कोई लेने कोई तैयार नहीं है। सर बीच में खबर आ रही थी कि एम्प्लॉयज़ मिलजुल के हो सकता है इसको चलाएं, बाद में इतिहाद और एक दो कंपनीज का और नाम आने लगा कि हाँ वो सब मिलके पैसा दे देंगे, लेकिन ये बड़ा इनरेलीवेंट सा लग रहा था कि ऑलरेडी 15-20 रुपये डिस्काउंट में चलता है फ्यूचर्स, इसलिए मैंने कैश के लेवल दिए 155 का स्टॉप लॉस, शॉर्ट करना चाहिए 148-140, 100 रुपये हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। सर इसी रेट पर डील होगी क्या फिर, अगर 100 रुपये हो जाएगा तो? हाँ, क्योंकि भाव से भी तो आपको याद है एक सेंटेंस में बार बार बोलता था 150 रुपये। वो तो आ गया सर, लेकिन 150 रुपये के भाव में कब बोलता था डील की 150 रुपये होगी, 150 के ऊपर नहीं होगी, तब जब इसके प्लेन उड़ते थे, आज सारे जमीन पर है, तो अब 150 कौन देगा, अब तो कोई ले ले वो मेहरबानी है, जैसे लंदन ने 1 रुपये में लिए ना शेयर, सामने वाला भी बोलेगा भाई या तो तुम आज है ना, कोई टाटा कोई इतिहाद आज एक मिनट में चुटकी में जेट खरीद ले, वो बोले डेट आप अलग रख लो, डेट के अलावा हमसे जो पैसे लेने जेट के ले लो, बेचने का तरीका ये है, लेकिन आपको सब कंबाइन करके बेचना है लेंडर्स को, तो कौन लेगा भाई, दिक्कत होगा। ठीक है, तो आज इसको बेचना है आपको, ये कैश के लेवल है सारे, और आपको एक संकेत आज के हीरो भी शॉर्ट साइड पे ये बाद में जो आएगा 9 बजे, आप तैयार हो गए, एक्सट्रीम रेंज तक भी जा सकते हैं अपर एंड में और हैवी शॉर्ट के, लेकिन हाँ ये मार्केट कर भी रहा है, खड़े बाजार के अंदर ही आपको येस बैंक जैसा कमजोर करता है और HDFC बैंक जैसा मजबूत भी करता है, तो ये भी है, ये तो मार्केट का नेचर ही है। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब रिसर्च टीम मेरे साथ जुड़ चुकी है, पूजा हमारे साथ जुड़ी है खबर वाले शेयर्स के साथ, एक्चुअली खबर वाले शेयर्स नहीं है, पूजा के पास ज़्यादा तो नंबर्स है क्योंकि नंबर्स बहुत सारे हैं, रजत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मानसी भी हमारे साथ हैं स्टॉक्स न्यूज़ के लिए, दिवांशी ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट बता रही है, तो पहले रजत आपसे करें शुरुआत, जरा बताएं बिल्कुल जो नंबर्स आज ट्रैक होंगे जो आने वाले हैं उसमें हिंदुस्तान जिंक है, इसके अलावा डाबर FMCG में जिसपे फोकस ज़्यादा है, और साथ साथ MRF और टाटा पार, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो आज अपने तिमाही नंबर रिपोर्ट करेंगी, और सबसे पहले जी बिजनेस पे आप इनकी कवरेज देख पाएंगे, लेकिन जो नंबर्स आ गए हैं उसको एक एक करके मैं बताऊं, तो सबसे पहले ब्रिटानिया, इसके नंबर्स आए हैं, देखिए मुनाफे की फिगर 10.5% बढ़ी है, 292 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया वर्सेस 264 करोड़, और आय जो है उसमें भी 10% का इजाफा देखने को मिलेगा, तो अच्छे नतीजे हैं, इनलाइन कह सकते हैं, हम भी इसी के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आय है वो 2800 करोड़ के आसपास रह सकती है, और आय बिल्कुल 2800 करोड़ के आसपास ही आई है, मार्जिन भी इनके 15.6% पे स्टेबल रहे हैं, और कामकाजी मुनाफा 10% बढ़ता हुआ नजर आया 437 करोड़। अभी थोड़ी देर पहले जो एनर्जी बात कर रहे थे अंबुजा सीमेंट बेचें, देखिए इसमें एक बार फिर से मैं लेना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि यहां पर 2.4% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है, और ये कहीं ना कहीं दिक्कत है, अल्ट्राटेक सीमेंट ने 15% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई, ACC ने 5% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई, और अंबुजा सीमेंट की 2.4% की वॉल्यूम ग्रोथ है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 4-5% की वॉल्यूम ग्रोथ अंबुजा सीमेंट दिखाएगा, तो इसको बेचने का एक मुख्य कारण यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ भी हो सकता है, ऊपरी स्तर पर दबाव इस वॉल्यूम ग्रोथ के चलते हो सकता है, और अदर इनकम भी बढ़ी है 51 करोड़ से बढ़कर सीधा 240 करोड़। इसके अलावा रेमंड पे फोकस रखें, यहाँ पर जो मुनाफे की फिगर है उसमें 28% का इजाफा देखने को मिला है, 68 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया रेमंड ने, मार्जिन जो है उसमें 9.2% पे स्टेबल रहे हैं,
कामकाजी मुनाफा 10.5% बढ़कर 167 करोड़ पहुंचा है और जो आय है उसमें भी लगभग 11% का इजाफा देखने को मिला है। कैनफिन होम्स मिले जुले नतीजे हैं, यहां पर जो मुनाफा है उसमें 10% की गिरावट जरूर देखने को मिली है, 67 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, लेकिन एनआईए देखेंगे तो उसमें 5% का इजाफा है, 138 करोड़ वर्सेज 131 करोड़। लेकिन बेहतर बात यह कि इनकी जीएनपी और नेट एनपीए दोनों में गिरावट देखने को मिली है, जीएनपीए 0.71% से घटकर 0.62% और नेट एनपीए 0.51% से घटकर 0.43%। अजंता फार्मा वीक नंबर्स हैं स्टॉक के, यहाँ पर अगर आय मुनाफा देखें तो उसमें 5% की गिरावट देखने को मिली है, 89 करोड़ वर्सेस 94 करोड़, और इसके अलावा आय जो है उसमें भी 3% की गिरावट होती हुई नजर आई है, कामकाजी मुनाफा भी 9% घटा है। शॉपर स्टॉप डिसअपॉइंट कर गया है इस तिमाही में, मुनाफे की फिगर 45% घटकर 11.5 करोड़ रही है, इनके जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 13.5% का इजाफा जरूर नजर आएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि बेच नहीं पाए अपने गुड्स को यहाँ पर प्रॉपरली, और इनकी जो सेल्स फिगर्स है उसमें 7% की गिरावट देखने को मिली है, 791 करोड़ वर्सेस 850 करोड़। और साथ साथ इंडियन होटल्स नजर यहाँ रखनी होगी इंडियन होटल्स पे, क्योंकि यहाँ पर ठीक नतीजे देखने को मिल रहे हैं, 110 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुनाफे की फिगर आएगी, उसके मुकाबले 117 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया, कामकाजी मुनाफा लगभग 16% बढ़कर 284 करोड़, और इनकी जो आय है उसमें भी 9% का इजाफा देखने को मिला है, 1244 करोड़ की आय इंडियन होटल्स ने पोस्ट की। ठीक है पूजा, आप भी बताएं जरा खबरों वाले शेयर्स के आपके जो नंबर्स होंगे जरा वो बताइए। जी मेरे पास भी काफी सारे नंबर्स हैं, उसके अलावा ऑटो बिक्री के आंकड़े भी मेरे पास हैं। तो शुरुआत पहले एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के नंबर से करेंगे, कमजोर नतीजे इस बार देखे गए हैं, मुनाफे में करीब 25% की गिरावट दर्ज हुई है, कामकाजी मुनाफे में 8% की गिरावट और मार्जिन 7.8% से घटकर इस बार 6.6% के कंपनी ने पोस्ट किए, तो कमजोर नंबर्स एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के। फ्यूचर लाइफस्टाइल के नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आय में करीब 30% की बढ़त इस बार देखी गई है, मुनाफे में 31% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है और कंपनी के जो है वो भी बढ़े हैं, इस बार 22% की ग्रोथ कंपनी के कामकाजी मुनाफे पर भी देखने को मिली है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के नंबर्स भी शानदार दिख रहे हैं, बिक्री में 10% की बढ़त, मुनाफे में करीब 48% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है और एबिटा में यानी कि कामकाजी मुनाफे में भी करीब 37% की ग्रोथ इस बार देखी गई है, तो अच्छे नंबर्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी। डीसीएम श्रीराम के नंबर्स भी अच्छे हैं, अगर हम साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे दोनों ही तर्ज पर, आय में करीब 20% की ग्रोथ देखी गई है, इस बार अन्य आय का भी सहारा मिला है जिसकी वजह से मुनाफे में करीब 5 गुना से ज्यादा की बढ़त इस बार दर्ज हुई है और कामकाजी मुनाफा क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस भी कुछ कंट्रोल किए हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो कामकाजी मुनाफा है उसमें भी करीब 5 गुना बढ़त इस बार दर्ज हुई है, तो डीसीएम श्रीराम के नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऑटो बिक्री के आंकड़े भी घोषित हुए हैं और जो नंबर्स आए हैं वो कमजोर साइड पर ही हैं, मारुति के नंबर्स इस बार कमजोर आए हैं, वाई और मंथ ऑन मंथ दोनों ही केस में अगर हम देखेंगे तो कमजोर नंबर्स इस बार दर्ज हुए हैं, कुल बिक्री में करीब 18% की गिरावट इस बार दर्ज की गई है। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स के नंबर्स भी कमजोर दिखाई दे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स तो बढ़े हैं कंपनी के लेकिन कुल बिक्री में करीब 15% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है और इसके अलावा आयशर के नंबर्स भी कमजोर आए हैं, साल दर साल अगर कंपेयर करेंगे तो 17% की गिरावट कंपनी के मोटरसाइकिल बिक्री के आंकड़ों में दर्ज हुई है। ठीक है अब जरा आयशर की भी कमजोर, आयशर की भी कमजोर, मैंने दी नहीं इस बार शॉट, हर बार एक्सपीरियंस खराब नहीं, हर बार जहाँ देता हूँ तो वो उसी लेवल पे खुलता है फिर घूम जाता है, लॉन्ग देंगे तो लॉन्ग जो टारगेट होगा वहाँ खुलेगा नीचे आ जाएगा, शॉर्ट देंगे जहाँ टारगेट वहाँ घूम जाएगा, इसकी जो मर्जी आए करे हमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन वो वैसे एनालिसिस ठीक है कि हाँ बिक्री कम हो रही है, खराब तो ही है इसमें कोई सवाल है, हम कब से कह रहे हैं कि खराब रही है, आप देख लिए हर क्वार्टर खराब ही कर रहा है, हर महीने खराब ही कर रहा है, हर महीने खराब हो रहा है, वो तो साफ ही है। अब भाव गिरे ना गिरे, भाव बढ़ना गिराना किसी के हाथ में तो है नहीं, ये तो मार्केट के हाथ में, बाकी नंबर्स खराब है वो साफ है। 17% कमी आई है इसकी बिक्री के अंदर, हालांकि एक्सपोर्ट बढ़ गया बट फिर भी वो ज्यादा नहीं है, यूनिट्स भी बहुत कमी है। अब मानसी बताएं जरा खबर वाले शेयर साहब। जी बिल्कुल डिम्पी, शुरुआत एफएनओ से जुड़ी एक अहम खबर से ही कर लेते हैं, वायदा बाजार में 3 नए शेयर्स की एंट्री होने जा रही है, एम्फासिस, एलएनटी, इन्फोटेक, पीएनबी हाउसिंग, तीनों ही शेयर 31 मई से एफएनओ में शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है वो 6 रुपए बढ़ चुकी है, इसका सीधा असर जो है वो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज पर होता हुआ दिखेगा, तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी के काउंटर्स पर एक बार नजर रखें। और साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसकी कीमत में 2.5% का इजाफा होता हुआ दिखा है, तो इसका एक इम्पैक्ट एविएशन स्टॉक्स पर भी देखने को मिल सकता है। साथ ही फार्मा स्पेस में आज काफी सारी खबरें हैं, नैटको फार्मा और ल्यूपिन को एक जॉइंट अप्रूवल मिला है, ल्यूपिन ने नैटको फार्मा के साथ अलायंस किया और दोनों ही कंपनियों को बोसेंटान टैबलेट के लिए USFDA से मंजूरी मिल गई है। ये टैबलेट बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की दवा है और इसके लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। साथ ही रिलैक्सो फुटवेयर की अगर बात करें, कंपनी की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, 10 मई को ये बोर्ड बैठक होगी, बोनस शेयर्स के इशू को लेकर इस बोर्ड बैठक में सोच विचार किया जा सकता है। एलेम्बिक फार्मा
फार्मा अगेन फार्मा स्पेस में फोकस में रहेगा क्योंकि यूएस एफडीए से ओलोपेटाडाइन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है जिसे मंजूरी मिल चुकी है, खासतौर से एलर्जी और कंजंक्टिवाइटिस कम करने के लिए सॉल्यूशन है जिसको यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला है। सन फार्मा के लिए एक अच्छी खबर आई है, हमें पता ही है कि यूएस एफडीए जांच में दादरा प्लांट को 11 ऑब्जर्वेशन आपत्तियां जारी की गई थी, अभी यूएस एफडीए से ने दादरा प्लांट के लिए यहां पर राहत दे दी है और 22-29 मार्च को हुई थी इस प्लांट की जांच और 483 फॉर्म भी जारी किया गया था, लेकिन अब कंपनी ने वीएआई जारी किया है यानी कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड। इसका सीधा असर मतलब यह है कि आपत्ति मिली है लेकिन कोई भी रेगुलेटरी एक्शन अभी नहीं होगा, अगर होता भी है तो यह बिल्कुल एफडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसकी वजह से, तो बेसिकली एक राहत मिली है सन फार्मा को। साथ ही डीएचएफएल के काउंटर पर आज नजर रखें क्योंकि कंपनी ने कुल कर्ज में से 500 करोड़ की रकम का भुगतान कर दिया है, 332 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया है, 30 अप्रैल इनकी आखिरी तारीख थी पेमेंट करने की, तो लास्ट डेट आते आते ही कंपनी ने यह कर्ज जो है उसका भुगतान कर दिया है। कोचिन शिपयार्ड इस कंपनी पर नजर रखें, इंडियन नेवी के साथ 6300 करोड़ का एक करार किया है कंपनी ने और 8 वाटरक्राफ्ट बनाने के लिए करार किया गया है। तो ये तो खबरों के दम पर कुछ स्टॉक्स हुए, लेकिन बल्क डील्स ब्लॉक डील्स भी हैं काफी सारी। रमेश दमानी ने गोल्डी एम इंटरनेशनल के 3,00,000 शेयर्स करीब 85 के दाम पर खरीदे हैं, साथ ही एलएनटी ने कॉफी डे के करीब 3,27,00,000 शेयर्स की खरीद की है 980 के दाम पर, और कॉफी डे ट्रेडिंग ने माइंडट्री खरीदी जी माइंडट्री की खरीद की है, यहाँ पर 99,00,000 शेयर्स की खरीद की है 980 के दाम पर, और इसके अलावा कॉफी डे एंटरप्राइजेस और जेएम फाइनेंशियल ने रुचि सोया में 50,00,000 शेयर्स खरीदे और यहाँ पर इनके जो एंट्री लेवल के दाम है वो 50,00,000 शेयर्स के करीब 7 में बेचे हैं ना, वो डील हुई है ना पतंजलि वाली जी, बेचे गए इसलिए जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं उन सभी के शेयर्स गए हैं, वो डील हो गई पतंजलि और रुचि सोया के, बहुत लंबे समय से अटका हुआ था मामला, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, खैर अब 7.5 रुपए का रह गया, रुचि सोया समय 21-22 रुपए का हुआ करता, मेरे को अच्छी तरह से फिर भी वायदा कारोबार के बहुत सारे शेयरों से बेहतर भाव है इसका। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते भाव भी तो आ रहा है। आइए हमारे एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल, उससे पहले ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जल्दी से देख लें, देवांशी हमारे साथ हैं, सारी रिपोर्ट्स के दम पर रिजल्ट्स पे आई होंगी कुछ रिपोर्ट्स, तो बिल्कुल सर बताइए सर। सबसे पहले तो कोटक महिंद्रा बैंक से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे जिस तरह से नतीजे हैं उसके बाद 2 से 3 ब्रोकिंग हाउसेस ने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, वो ये मान के जरूर चल रहे कि जो वैल्यूएशन है वो थोड़े से प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नतीजे 10 तिमाही में आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है और वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। सीएलए से यहाँ से 1500 से बढ़ाकर अपने लक्ष्य 1665 तक के दे रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि 10 तिमाही में यहाँ पे जो अर्निंग्स है वो बढ़ती हुई दिखी है और यहाँ पे कासा ने आउट परफॉर्म किया है बाकी पियर्स को। इसके अलावा यहाँ पे सिटी न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 1460 तक के लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन डॉइश बैंक वो ये मान के चल रहे हैं कि जो इंश्योरेंस कारोबार है उसने इस बार बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया है अर्निंग्स में और साथ ही उन्होंने जो अर्निंग्स का अनुमान है FY 2021 के लिए वो 2 से 3% तक का घटाया है। वहीं पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग जरूर दी है लेकिन 1600 तक के लक्ष्य भी दे रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने जो अर्निंग्स का एस्टिमेट है वो करीब 5% से घटा दिया और वो कह रहे हैं कि जो स्टैंडलोन कारोबार है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन इंश्योरेंस कारोबार की वजह से ही जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। और साथ ही जेफरीज यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस की रीडिंग दे रहे हैं और वो ये मान के चल रहे हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो बहुत ज़रूरी होता है बैंक्स के लिए वो यहाँ पे 15-16% पे ही लग रहे हैं जो कैप होते हुए दिखेंगे और जो वैल्यूएशन है वो थोड़े से महंगे हैं। टीवीएस मोटर्स पर बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस ने एक ही बात कही है कि जो मार्जिनस हैं वो अनुमान से काफ़ी कम आता हुआ दिखा है, जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी फ्लैट आती हुई दिखी है और इसके अलावा यहाँ पे FY 2021 का EPS अनुमान करीब 11-16% तक घटा दिया है। मैक्वायरी की 380 की राय है, सीएलए से बिकवाली की राय 360 और मॉर्गन स्टैनली ने 575 से अपने लक्ष्य घटाकर 405 तक के कर दिए हैं। ब्रिटानिया यहाँ पे फिलिप कैपिटल न्यूट्रल रेटिंग के साथ 2675 तक के लक्ष्य यहां पे बता रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि 4 तिमाही के नतीजे जो हैं वो अनुमान के मुजब ही आते हुए दिखे हैं। और साथ ही जेफरीज ने आज कजारिया पर अपनी कवरेज शुरू की है और जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 730 तक के दे रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि एक GST वगैरह का फायदा तो कंपनी को हो ही रहा है लेकिन जो कोल पे बैन लगा है उसका बहुत ज्यादा फायदा कंपनी को होता हुआ दिखेगा। गैस की जो कीमत है वो करीब इस तिमाही में 15% तक घटी है, इसका फायदा भी कंपनी को यहां पे होता हुआ दिखेगा। 730 तक के लक्ष्य वो भी दे रहे हैं। HSBC के ICICI प्रूडेंशियल पर रिपोर्ट है जहां पे उन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं तिमाही के बाद और 416 तक के लिए लक्ष्य वो दे रहे हैं, मान रहे हैं कि जो APE की बिक्री है वो 10 से 14% तक यहां पे बढ़ने का अनुमान है, इसी के चलते उन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं वो भी बढ़ा दिए हैं। और आखिर में CLSA की गोदरेज प्रॉपर्टीज पर पॉजिटिव रिपोर्ट, यहाँ पे भी उन्होंने अपने जो लक्ष्य हैं वो बढ़ा दिए हैं और जो लक्ष्य हैं वो करीब 1024 थे उससे बढ़ा के अब 1063 के जो लक्ष्य है 1063 के जो लक्ष्य वो दे रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि रियल्टी स्पेस में ये उनकी टॉपिक है।
ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के टारगेट थोड़े बड़े हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स थी कुछ अर्निंग्स पे, कुछ उनके बिजनेस पे, लेकिन अब मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश बंसल जी हैं और कुणाल जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, विकास सेठी जी हमारे साथ मुंबई से और राजेश पलविया भी हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले विकास जी, हालांकि आप तो बहुत सारे शेयर देते हैं, ऐसा नहीं कि हम छोड़ने वाले हैं आपको, आपसे बहुत सारे शेयर पूछेंगे, लेकिन अभी सिर्फ पहले सबसे कन्विक्शन वाले शेयर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पिक ऑफ द डे। तो बिगुल के साथ उसी की हो रही है शुरुआत। विकास जी बताएं, आज आपका पिक ऑफ द डे कौन सा है? गुड मॉर्निंग, या गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए बाजार में जिस तरह का अभी माहौल है, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी वाला बाजार नजर आ रहा है। हालांकि हमने देखा पिछले एक दो सत्र में, जहां एक और निफ्टी में एक दिन तो अच्छी तेजी थी और उसके बाद निफ्टी एक फ्लैट था, बट जो मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफी भारी गिरावट देखी गई, खास करके जो एनबीएफसी स्पेस है, जो खास करके यस बैंक के खराब नतीजों के बाद, और दूसरा जो रिलायंस एडीएजी ग्रुप में जो वापस से दिक्कतें आई है, जो उनके पेपर्स या उनके बॉन्ड्स को डाउनग्रेडिंग के बाद, तो उसका एक असर देखा जा रहा है। तो बाजार में थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। मुझे लगता है एक तो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं 23 मई को, तो अभी से इलेक्शन तक भी वोलेटिलिटी रहेगी, तो थोड़ा ट्रेडर्स को कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। बाकी आज के लिए जो मेरा एक स्टॉक रहेगा पिक ऑफ द डे, वो रहेगा गैस अथॉरिटी गेल। मुझे लगता है इस स्टॉक में जो हमने ट्यूजडे के सेशन में जो एक स्मार्ट रिकवरी लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में देखी है, जो अपने निचले लेवल से एक स्मार्ट पुलबैक इस स्टॉक में देखा गया, और मुझे लगता है स्टॉक एक अच्छी खासी पिटाई के बाद वापस से चलने के लिए तैयार है। तो इस लेवल पे इस स्टॉक को बिल्कुल फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू खरीदा जा सकता है, और आज ही मुझे लगता है इस स्टॉक में 2-3% के रिटर्न्स बन सकते हैं। सो आई वुड गो विद गेल फॉर टुडे। गेल में आप खरीदारी। वैसे भी सर, हुआ क्या है ना कि गैस के प्राइसेस कई सालों के बाद सरकार ने भी बढ़ा दिए हैं। अब ये कई चरणों में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सिटी गैस का, वो भी काम आ रहा है। ये तो ट्रेडिंग कंपनी गैस लेके आती है, भारत में आके सिर्फ बेचती है, तो इसको तो भाव बढ़ने का सीधा सीधा बेनिफिट आता है। गेल इसलिए भी चल रहा है, इंटरेस्टिंग है विकास जी का आज का ट्रेड। कुणाल जी नमस्कार, सर आपका ट्रेड क्या है, आज का पिक ऑफ द डे आपका कौन सा है? देखिए डिप्पी, सबसे पहले आपको और अनिल जी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और जो काउंटर आज मैंने चुना है वो है जिस तरह का स्ट्रक्चर कल के चार्ट्स पर हमने देखा, यानी कि एक दिन पहले जो स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से हैवल्स में मुझे लगता है कि डिम्पी जी खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन और क्लियर ब्रेकआउट हैवल्स में आते हुए अंतिम क्षणों में हमने ट्रेड में देखा था, और मुझे लगता है कि आज भी यहाँ पर तेजी बनी रहेगी, तो हैवल्स को इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। जो प्रीवियस सेशन का डे लो था 765 रुपये, इस पर स्टॉप लॉस रखना है। 810 रुपये आज के लिए पहला टारगेट होगा। तो आज जो खरीदारी की राय है स्टॉक में मेरी, वो है हैवल्स। ठीक है, हेवल्स खरीदना है। आपके मित्र भी आपके साथ बैठे हैं, राकेश बंसल जी। बंसल जी नमस्कार, सर बताएं आपका शेयर आज का कौन सा है? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग डिम्पी जी, मेरा पिक ऑफ द डे है इन्फोसिस। इन्फोसिस मुझे लगता है इस मार्केट के अंदर एक डिफेंसिव बेट साबित हो सकता है, और जो जिस तरीके से अभी सेठी जी ने भी बोला कि मार्केट वोलाटाइल है, तो इस वोलाटाइल मार्केट में एक छोटा सा स्टॉप लॉस है इन्फोसिस के अंदर, 737 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और 768 के टारगेट के लिए डिम्पी जी इन्फोसिस को खरीदने की राय है। दूसरा डिम्पी जी, कल की छुट्टी से पहले आपके साथ सुबह मैंने कोटक महिंद्रा बैंक रिकमेंड किया था, मॉर्निंग में भी और इंट्राडे में भी रिकमेंड किया था, वहां पर भी काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं और स्टॉक अपने 3-4 दिन के हाइस के ऊपर ही बंद हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है डिम्पी जी यहाँ पर भी होल्ड करना चाहिए 1350 के स्टॉप लॉस के साथ, जो स्टॉप लॉस मैंने परसों दिया था मॉर्निंग में, बट यहाँ पर टारगेट को रिवाइज करा है। उस दिन मेरा टारगेट 1422 था, अब टारगेट को रिवाइज करना चाहिए 1435 पर। क्लियर होल्ड है, हल्की फुल्की डिप आती है, तो कोटक महिंद्रा बैंक को जिन्होंने नहीं लिया हुआ है उस दिन वो खरीद सकते हैं। चलिए खरीद सकते हैं, अगर लिया हुआ है तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कोटक महिंद्रा बैंक में। लेकिन राजेश जी से पूछते हैं उनकी पसंदीदा पिक बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मेरी पिक भी आईटी पैक से है। देखें तो हमने ट्यूसडे के सेशन में आईटी स्टॉक में अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, उसमें से टेक महिंद्रा को मैंने आइडेंटिफाई किया। टेक महिंद्रा में देखें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक में एक जिस तरीके का लॉन्ग एडिशन भी देखने को मिला है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 852 से 858 की तरफ मूव करना चाहिए। तो 836 के रेट पे इसको बाय करना है, 824 स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है कि एक या दो ट्रेडिंग सेशन में 852-858 के टारगेट टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकता है। ओके, तो टेक महिंद्रा खरीदें, इन्फोसिस खरीदें, आईटी शेयरों पर हो रहे हैं हमारे एक्सपर्ट बुलिश। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो आपके रडार पे हैं, जहां खरीदारी या बिकवाली की राय है, विकास जी वो बताएं।
देखिए अनिल जी, एक्चुअली क्या है, परसों के सत्र में मैं थोड़ा मार्केट में एक्टिव नहीं था फॉर पर्सनल रीजंस, तो ऐसे मैंने फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई स्टॉक्स खास आइडेंटिफाई करे नहीं है, कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है जिस तरह से एक तो क्रूड के दामों में गिरावट आई है, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वाला सेक्टर है, फिर आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में खास करके मुझे लगता है इंफोसिस और एचसीएल टेक, ये दोनों में एक तेजी बन सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हालांकि नीचे से अच्छी तेजी हो गई है, फिर भी मुझे लगता है अगर क्रूड यहाँ पे से और थोड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है अगर वो रहता है, तो बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, इनमें खरीदारी की जा सकती है। तो इन तरह के स्टॉक्स में बिल्कुल एक फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नजर रखनी चाहिए। चलिए, तो ये है आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक्स पर नजर रखने का। आइए अब उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनके रिजल्ट्स आए एक के बाद एक। ब्रिटानिया 2800 करोड़ के आसपास की आय की है, कामकाजी मुनाफा 10% बढ़कर आया है 15.5% के आसपास के मार्जिन से, तो रिजल्ट्स मिले जुले हैं उम्मीद के मुताबिक कहे जा सकते हैं। राजेश जी, स्टॉक की रेंज या ट्रेड क्या बनेगा इस पर? देखिए अनिल जी, स्टॉक एक करेक्टिव मोड में था और ऑलमोस्ट अभी ये सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि इसका 2850 के आसपास है, तो मुझे लगता है ये 2850 एक इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से नहीं टूटता, इसके नीचे नहीं जाता, तो एक पुलबैक के चांसेस बनते हैं स्टॉक में, और मुझे लगता है हायर साइड में वापस ये स्टॉक 2930 जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के सेशन में। अगर ये क्रॉस कर लेता है तो स्टॉक फिर 3000 की तरफ मूव करेगा, तो लोअर साइड में 2850 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और आज इंट्राडे में अगर ये 2930 के ऊपर क्रॉस करता है तो 3000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है कुणाल जी, इस बीच एक होटल कंपनी इंडियन होटल्स, उसके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं। उसका मुनाफा 26% बढ़ गया, उसका कामकाजी मुनाफा 16% बढ़ा, बिक्री भी 8% बढ़ी है। जरा देख के बताएं इंडियन होटल्स, इसकी क्लोजिंग भी ठीक ठाक गई। देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हुआ है डिम्पी। देखिए अगर आप इंडियन होटल्स की बात करें तो बहुत वक्त से हम देखते थे कि 130 रुपए के लेवल्स को इंडियन होटल्स पार नहीं कर पाता था, और पिछले महीनों में हमने देखा है कि 130 के लेवल को बहुत क्लियरली स्टॉक ने पार किया है, लगातार उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स भी बहुत मजबूत हैं। 150 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 162-163 के लेवल्स आपको जल्द आते हुए नजर आएंगे। मेरी राय में न केवल होल्ड करना चाहिए जिनके पास है, बल्कि नए खरीदारी की भी यहाँ पर संभावना बनती दिखाई दे रही है। 150 का स्टॉप लॉस रखें, 163 का पहला टारगेट। और बिल्कुल जो हमने रिसर्च गुरुकुल होटल सेक्टर पर किया उसके बाद तो ये क्लियर कट है कि अब होटल सेक्टर में भी संकेत रिवाइवल के आते हुए दिख रहे हैं, वो पहले ही रिजल्ट में आपको नजर भी आ गए हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर फोकस करना चाहिए आपको, उसमें से एक है रेमंड्स, जहाँ 28% आय बढ़कर आई है लगभग और कामकाजी मुनाफा 10% बढ़ा है, आय 11% बढ़ी है, मुनाफा 28% बढ़कर 68 करोड़ के आसपास का आया है, तो नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक दिख रहे हैं, खराब है नहीं। राकेश जी, जरा रेमंड्स के चार्ट्स देखिए और बताइए करना क्या है। देखिए अनिल जी, रेमंड्स के अंदर पहले गिरावट देखने को मिली थी, बट नतीजों से पहले परसों के सेशन में यहाँ पर स्टॉक 3 दिन के हाइस के अराउंड क्लोज हुआ है। टेक्निकली यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, 757 एक सपोर्ट है, वहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में 788 790 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में रेमंड्स में मुमकिन लगते हैं। ठीक है राजेश जी, एक बार जरा ग्रुप फाइनेंस के आप चार्ट खोलिए, इसका मुनाफा मैं बताता हूँ 1.25% बड़ा है, हालांकि मार्जिन्स में भी कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सेल्स और कामकाजी मुनाफा ये ठीक है, बिक्री 26% और कामकाजी मुनाफा 26% ये भी बड़ा है, शेयर ठीक ठाक है, HDFC की सब्सिडरी है जी। देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर तो काफ़ी पॉजिटिव है, और स्टॉक में जिस तरीके का मोमेंटम हमने पिछले कुछ दिनों में देखा और स्टॉक हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आज के सेशन में इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 324 का रहेगा। 324 क्रॉस कर लेता तो स्टॉक का जो ट्रेंड अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, फिर ऊपर में मुझे लगता है 335 तक के टारगेट भी बन के आएंगे। तो लोअर साइड का जो सपोर्ट है वो यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो 305 का रहेगा, तो अगर ये 305 को नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा। 324 अगर आज निकालता है तो 335 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए ग्रुप फाइनेंस पर आए, लेकिन एक और स्टॉक है वो है कैनफिन होम्स, जहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम तो 5% बढ़कर आई है, लेकिन मुनाफा 10% गढ़कर 67 करोड़ के आसपास रहा है, यानी कि मुनाफे का आंकड़ा उतना दमदार है नहीं, थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा, एसेट क्वालिटी सुधरी है ये एक अच्छा संकेत है। तो कैनफिन होम्स और DHFL दो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर सेठी साहब आपकी राय लेना चाहता हूँ। DHFL के लिए अच्छी खबर है वो ये कि इन्होंने 500 करोड़ का पेमेंट किया जिसमें से 332 करोड़ का ब्याज इनको 30 अप्रैल तक देना था, दे दिया है। तो DHFL और कैनफिन होम्स क्या राय रखते हैं आप, क्या करना चाहिए?
देखिए जहां तक कैनफिन होम्स का सवाल है, देखिए कंपनी अच्छी है, जो नतीजे आए हैं इन लाइन विद एस्टिमेट्स है, हालांकि एसेट क्वालिटी में थोड़ा सुधार है, दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। बट मुझे लगता है पिछले एक दो दिन से जो हम एनबीएफसी स्पेस में जो एक भारी गिरावट देख रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है, खास करके जो रिलायंस कैपिटल के पेपर्स को डाउनग्रेड करने के बाद जो एक वापस से एनबीएफसी स्पेस में थोड़ी दिक्कतें शुरू हुई है, मुझे लगता है उसका असर अभी थोड़ा दिखना चाहिए। हालांकि जो कल की गिरावट के बाद डीएचएफएल और कैनफिन होम्स दोनों पे अब मुझे लगता है स्टेबल रहने चाहिए, बट मैं बहुत गंग हो नहीं हूं और मुझे लगता है थोड़ा बहुत जरूर पॉजिटिव इनमें इम्पैक्ट आज इन अच्छी पॉजिटिव न्यूज के ऊपर, जैसे डीएचएफएल पे न्यूज पॉजिटिव है मुझे लगता है देखा जा सकता है, बट ओवरऑल थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए इस पूरे स्पेस को अभी। ठीक है कुणाल जी, एक जरा एक शेयर और देखिए, हालांकि आशुमदान पे भी इस पर अपनी राय रखते हैं, वो अप्रैल बिक्री आई है एस्कॉर्ट्स की सेल्स की, इनकी कुल बिक्री तो 15% कम हुई है, घटी है, कम हुई है, लेकिन इनका एक्सपोर्ट्स 200% बढ़ा है, यूनिट के हिसाब से वैसे तो 272 है, परसेंटेज में बहुत बड़ा लग रहा हो क्योंकि 200% बढ़ गया, सिर्फ 278 ट्रैक्टर इन्होंने एक्सपोर्ट्स किए हैं, कुल बिक्री वो कम हुई है, घरेलू बिक्री में भी 18% की कमी आई है, तो ये शेयर अभी टूटेगा या फिर रेंज में रह जाएगा? देखिए एक अहम सपोर्ट है डिम्पी 723 रुपए के आसपास, 740 रुपए के आसपास की बंदी है सोमवार की, और मुझे लगता है कि जैसे ही 723 के स्तर को तोड़ेगा एस्कॉर्ट्स में आपको गिरावट आते हुए नजर आएगी, तो मुझे लगता है कि 723 के लेवल को बहुत क्लियरली वॉच करना चाहिए। इस लेवल के नीचे अगर ये काउंटर निकलता है तो एक बार के लिए आपको वापस से 665 670 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो 723 के नीचे बेचा जाना चाहिए, और जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन भी रखी है उनको 723 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई उछाल बनता है तो मेरी राय निकल जाने की रहेगी। ठीक है लगे आज जरा मारुति के बारे में पता कर लेते हैं, राजेश जी आप ही देखिए मारुति और कितना टूटेगा, नंबर्स तो खराब है, ये ऐसा नहीं बाजार को पता नहीं था, तो गाइडेंस ही आ गई थी 4% की ग्रोथ ही हम दिखाएंगे, मुश्किल है हमारे लिए, ये कितना और नीचे जाने वाला है? देखिए डिम्पी जी, जिस तरीके से इसमें सेलिंग प्रेशर हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में और जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, मुझे लगता है कि प्रीवियस स्विंग लो की तरफ बढ़ेगा और ये 6480 मुझे लगता है कि एक लेवल है जहां तक ये स्टॉक स्लाइड हो सकता है, 6480 वो एक लेवल है, वहां पे इसको वापस रिव्यू करना चाहिए कि वो लेवल पे सपोर्ट ले पाता है या नहीं ले पाता है, अदरवाइज अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो फिर स्टॉक में और बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है जो कि इसको 6320 के लेवल की तरफ भी ले जा सकता है, तो मुझे अभी फर्स्ट टारगेट जो लगता है इसका 6480 का लगता है। 6480 तो चलिए मारुति खराब है सर, 200 की गुंजाइश है यहाँ से भी आराम से हम तो लगातार कह रहे हैं कि इसे बेचना है और सिर्फ बेचना है। आइए एक और स्टॉक जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है रिलैक्सो फुटवेयर, 10 मई को बोर्ड बैठक होगी, बोनस पर विचार किया जाएगा, ट्रैक करते हैं आप विकास जी इस स्टॉक को, यदि हाँ तो क्या करना है? देखिए अनिल जी, ये लेदर स्टॉक्स पे मैं पर्सनल रीजन से कुछ ना निवेश करता हूँ ना सलाह देता हूँ, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड कमेंट ऑन द सेम। अच्छा इसमें वो लेदर वाला छोड़ दीजिए पोर्टफोलियो, खाली स्लीपर है ना वो रबड़ वाले उस पे दे सकते हैं अलग से, खाली रबर वाली चप्पल आधी सलाह दे नहीं वैसे देखिए वैसे जो कंपनी के बारे में जानकारी है, एक अच्छा स्टॉक है, अच्छा परफॉर्म किया है और ब्रांड भी अच्छा है, तो उस लिहाज से अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, तो ओवरऑल मुझे लगता है जो निवेशित है वो बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं, और बोनस की खबर भी पॉजिटिव है तो स्टॉक तो चल सकता है, बट मैं पर्सनली इस पे कोई अपना व्यू रखता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जैन साहब को आने दीजिए, संदीप जी को उनसे पूछेंगे आई जाएंगे आजकल में, 10 मई के पहले तो संदीप जी शो करेंगे, पता चल जाएगा। अच्छा एक ये शेयर ट्रैक कर रहे हैं कि ये भी आप छुट्टी के चक्कर में नहीं किया, गोल्डियम इंटरनेशनल, जहाँ रमेश दमानी जी ने 3 लाख शेयर खरीदे 85 रुपये के दाम पर, गोल्डियम इंटरनेशनल ऑलरेडी 20% बढ़ गया, पता तो चल गया होगा लोगों को, तभी बढ़ गया, तभी 20% लगा सर, हाँ तभी 20% लगा। अब कुछ खबर है आपको, क्या क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, इस स्टॉक को क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ, बट ये जो खबर है डेफिनेटली पॉजिटिव है और उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसके कारण से स्टॉक में 20% की तेजी हो गई, और अब ये न्यूज जब पब्लिक हुई है मुझे लगता है आज भी उसमें तेजी दिख सकती है, तो ओवरऑल और उनका जो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट रहता है वो एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से रहता है, तो ये स्टॉक बिल्कुल रडार पे रखना चाहिए, और ये जो न्यूज फ्लो जैसे एक सबसाइड होता है उसका इम्पैक्ट, तो फिर ये स्टॉक अगर करेक्ट होता है तो लंबे अवधि के निवेशक बिल्कुल इसको देख सकते हैं। ठीक है, इस बीच ना हीरो मोटोकॉपी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, उन्होंने कहा है कि हमने 3 नई बाइक लॉन्च की हैं, वो बजाज ऑटो के पल्सर को टक्कर देने के लिए पल्स लेके आए हैं,
तो उनका है एक्स पल्स 200 एक्स पल्स से अर निकल गया बस खाली पल्स रह गया अर निकल गया पल्सर से खाली पल्स रह गया बड़ा इंटरेस्टिंग लोगों को पल्सर या पल्स अलग अलग बोलना भी बोलना पड़ेगा याद भी रखना पड़ेगा अच्छा सर इसकी इंटरेस्टिंग चीज ये है कुणाल जी ये 94,000 से शुरुआत हो रही है और 1,05,000 तक जाएगी इस बाइक की कीमत 7 दिन में मिलने भी लग जाएगी अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद आप लेंगे तो नहीं लेकिन फिर भी जरा हीरो मोटोकॉर्प का शेयर लेना है या नहीं लेना इस खबर के बदौलत जी आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है मेरी राय में हीरो मोटोकॉर्प को नहीं लेना चाहिए और उसकी वजह यह है कि स्टॉक में लगातार लोअर पिक्स बनते हुए हमने देखे हैं तो चार्ट कमजोर है एक सपोर्ट जरूर दिखाई देता है 2425 रुपए के रीजन में ये लेवल टूटा तो इसमें गिरावट और गहराएगी तो मुझे लगता है कि 2425 से लेकर के 2350 के बीच बड़ा सपोर्ट है तो अभी खरीदारी की जल्दबाजी ना करें 2425 2350 इसके बीच में जब आएगा तब खरीदारी की सोचेंगे इन स्तरों पर अवॉइड करने के लिए फिलहाल अवॉइड करें लेकिन एक और आपका फेवरेट काउंटर है डाबर वो भी तो बताइए कुणाल जी आज नतीजे आने वाले नतीजे के पहले खरीदना है या बेचना है यानी जी देखिए स्ट्रक्चर कमजोर है डाबर में कोई ऐसा वजह नहीं है कि इन स्तरों पर इसको खरीदा जाए मुझे लगता है कि एक बार के लिए रेंज में रहना चाहिए 410 रुपए की रेजिस्टेंस है ऊपर की ओर और नीचे 385 रुपए के आसपास सपोर्ट है तो 385-415 ये लेवल्स हैं जब तक इसके बीच में है कोई ट्रेड नहीं बनता है 415 के ऊपर अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली खरीदारी के बारे में सोचेंगे और उसी तरह 385 का लेवल टूटता है तो फिर शॉर्ट कर सकते हैं 385-415 दो गोल पोस्ट हो गए नतीजों के पहले और नतीजों के तुरंत बाद वाले गोल पोस्ट भी कुणाल जी आपको बता देंगे बस नतीजे उस वक्त आने चाहिए जब कुणाल जी स्क्रीन पर 2 से 3.5 के बीच में अगर नतीजे आ गए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि स्टॉक का क्या कुछ होने वाला है तो डाबर नतीजों से पहले लेकिन एक और स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड जरा राजेश जी इसके देखिए 400 बताइए इसमें क्या करना बड़ी अच्छी खबर है 6,300 करोड़ के लिए कारोबार किया इन्होंने इंडियन नेवी के साथ करार हुआ सर और 8 जहाज बनाएंगे ये तो जोरदार है अच्छी खबर है सर अच्छी खबर है इंडियन नेवी के साथ इनका करार हुआ है बताइए जरा देखिए कोचिन शिपयार्ड का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो स्टॉक एक वीकनेस जोन में ट्रेड कर रहा है बट अभी अगर हम देखें तो नियर टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि इसका 370 के आसपास है ऑलमोस्ट स्टॉक का क्लोजिंग जो था 376 है तो 6 रुपए नीचे इसका सपोर्ट है जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल जैसा काम करेगा स्टॉक के लिए और यहां से एक पुलबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो सपोर्ट है ये एक गैप का सपोर्ट है जो कि हमने इसमें पिछले अपवर्ड मूव के समय बनी थी ये गैप और अभी तक स्टिल वो फिल नहीं हुई है मुझे लगता है गैप पे सपोर्ट लेगा स्टॉक और एक पुलबैक जरूर बनेगा यहाँ से उसको 390 और 395 की जोन में इसको लेके जा सकता है वहाँ पे इसको देखना चाहिए अगर ये 395 क्रॉस करता है तो इसमें जो बड़े टारगेट बन के आएंगे वो 405 तक के हैं तो मुझे लगता है यहाँ से एक पुलबैक के लिए ट्रेड करना चाहिए 370 स्टॉप लॉस रख के 370 ठीक है स्टॉप लॉस तो छोटा ही है 6 रुपए का और आप कह रहे हैं कि 400 के ऊपर भी चला जाएगा ध्यान रखें इस पे भी 370 का स्टॉप 400 के ऊपर के टारगेट है बट पोजिशनल ट्रेड है एक दो दिन में थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है लेकिन एक स्टॉक है जिसके रिजल्ट्स बड़े खराब है शॉपर स्टॉप बंसल जी जरा इसके चार्ट खोलिए और बताइए करना क्या है 45% इसका मुनाफा घटकर 11 करोड़ रहा है कामकाजी मुनाफा उतना बुरा नहीं है 52 करोड़ से बढ़कर 59 करोड़ आया है लेकिन थोड़ी सी ग्रोथ में धीमेपन के संकेत दिख रहे हैं इन नतीजों के दम पर शॉपर स्टॉप कितना गिर सकता है सपोर्ट कहाँ है अगला कुछ बता सकते हैं आप देखिए अनिल जी टेक्निकल रुझान काफ़ी ख़राब है और इस स्टॉक में एक रैली बनी थी जब अमेजोन ने इसमें 5% स्टेक उठाया था और टेक्निकली टोटल डिस्टॉर्शन है एक इमीडिएट सपोर्ट अनिल जी यहां पर 440 के स्तरों पे आता है और टेक्निकली मुझे लगता है 440 के लेवल्स स्टॉक छोड़ नीचे में तोड़ने का दमखम रखता है और नीचे में ये स्टॉक मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 405-406 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है ठीक है इस बीच एक प्यार की बात और बता देते हैं ये प्यार है एलएनटी का माइंडट्री को लेकर प्यार भी ऐसा है कि जबरदस्ती 19% स्टेक खरीदा गया और इसमें अब 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गई हैं पहला कॉफी डे दूसरा माइंडट्री तीसरा एलएनटी खुद है सर ये प्यार इसी तरह से प्रवाहन आगे चढ़ेगा ये तो बड़ा जबरदस्त हुआ एक्चुअली 980 रुपए में जो एलएनटी ने ऑफर दिया माइंडट्री के प्रमोटर माइंडट्री का मैनेजमेंट कह रहा था कि नहीं 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 हमें एलएनटी का ऑफर मंजूर नहीं है और माइंडट्री के प्रमोटर जो है कैफे के कॉफी डे एंटरप्राइजेस वाले उन्होंने शेयर बेचे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और छोटा मोटा नहीं सर 19% की इक्विटी है 3 करोड़ से ज्यादा शेयर पॉजिटिव है स्टॉक के लिए पॉजिटिव किसके लिए 3 पार्टियां हैं तीनों के लिए पॉजिटिव कैसे मैं बताता हूँ एलएनटी 980 रुपये में एंट्री मिल रहा है महंगा नहीं है
कॉफी डे एंटरप्राइजेस, उनके प्रमोटर्स को तो निकलना ही था. फाइनली कहीं कहीं उन्हें और समझौता हो गया, निकल रहे हैं और उनको भी समझ में आ गया कि इससे बढ़िया ऑफर कहीं से आ नहीं रहा. 20% स्टेक बिक गई कॉफी डे एंटरप्राइजेस से, कर्ज कम हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट काम हो गया उनके लिए. ठीक है. और माइंड ट्री के लिए अब कॉफी डे एंटरप्राइजेस के मुकाबले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत, ज्यादा फोकस, डेडिकेटेड L&T जैसा प्रमोटर है, बड़ा प्रमोटर. हाँ, ये विन विन सिचुएशन है. सिर्फ नुकसान किसको है? थोड़ा सा शेयर होल्डर्स को, कि 980 के ऊपर बिकती तो बढ़िया था, लेकिन फिर भी अब ये मान के चलिए कि नहीं बिक्री उससे तो बढ़िया बिकी है, और बिकी L&T आए तो वैल्यू थोड़ी और बेहतर बनेगी. तो मेरे को लगता है ओवरऑल ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए, तो इसके दम पर माइंड्री चलना चाहिए, कॉफी डे एंटरप्राइज चलना चाहिए, दोनों स्टॉक में पॉजिटिव रुझान बनना चाहिए. ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली मेरे को पता ही ये करना था कि तीनों शेयर्स में क्या किया जाए, तीनों के बारे में, तीनों के लिए ही ठीक है. आज तीनों शेयर्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे.